थैंक यू प्लीज विराजमान हो जाइए शुक्रिया अर्चना जी हाँ जी वाह तेरे लिए यार रशियन बिल्ली लग रही है आप आज वाव व्हाट अ हेयर स्टाइल एंड व्हाट अ कॉस्ट्यूम अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां वाह आज सैटरडे के दिन हम थर्सडे का प्रमोशन कर रहे हैं हाँ थोड़ा माहौल अलग है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो स्टार कास्ट आ रही है वो आ रही है अ थर्सडे मूवी से बड़ी कमाल की मूवी है ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तो चलिए बिना देर किए हुए इस स्टार कास्ट को अपने मंच पे बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम यामी गौतम नेहा धूपिया एंड अतुल कुलकर्णी यामी नेहा अतुल सर बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का थैंक यू सो मच आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं यामी और नेहा और अतुल सर आप बहुत बिजी लग रहे हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करते हुए भी अगर आदमी बाल डाई ना करे इसका मतलब वो बहुत बिजी है सर जी आप फिल्म देखी है सर फिल्म में किए हैं अच्छा आज आप तीनों काले कपड़ों में शूटिंग के बाद ढाका मार रहे हैं तो क्या करेंगे आप नहीं बस हम चाहते कि हमारी फिल्म को नजर ना लगे तो वैसे आ गए कि एक्चुअली कुछ भी हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया था हमारे सबके तीनों अलग अलग स्टाइलिस्ट हैं डिफिकल्ट टू बिलीव बिकॉज इसमें कोई और कलर ही नहीं है नहीं नहीं है नेहा मुबारक हो थैंक यू कपिल आपके बड़ा प्यारा बेटा हुआ है बहुत बहुत मुबारक आपको थैंक यू इन्होंने भी मेरी तरह लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिनकी शादियां हुई थी उन्होंने लॉकडाउन में बच्चे पैदा कर लिए जिनकी शादियां ही लॉकडाउन में हुई हैं वो क्या करेंगे ओहो बहुत बहुत स्वागत है आइए विराजमान हो जाइए आपको पता है अर्चना जी फिल्म का नाम है थर्सडे और ये रिलीज भी थर्सडे को हो रही है जी जी एक बात बताइए अगर फिल्म का नाम होता 20 साल बाद तो फिर 20 साल बाद रिलीज करते आप नहीं फिर हम चाहते हैं कि लोग 20 साल बाद भी उस फिल्म को देखें हाय हाय थर्सडे ही नाम क्यों है पूरी कहानी एक दिन की है थर्सडे की पूरी कहानी एक दिन की है और कुछ ऐसी घटना होती है एक थर्सडे पे आई थिंक मंडे भी हो सकता था ट्यूसडे भी हो सकता था पर आई थिंक हर टाइटल ले लिया गया है पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है हर दिन पर तो थर्सडे बचा था गुरुवार का दिन और ये उस शो में प्रमोशन करने आई जिसका होस्ट भी पैदा थर्सडे को ही हुआ था वाह व्हाट ए कोइंसिडेंस अच्छा फिल्म जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं बड़ी कमाल की फिल्म है बधाइयां आपको बहुत बहुत थैंक यू यामी इस फिल्म में जो है किडनैपर बनी है और इन्होंने 16 बच्चों को होस्टेज बनाया है इतनी सुंदर आप प्यारी किडनैपर होना तो बच्चों का बाप भी बोले हमें भी अंदर ले लो मैडम आपकी डिमांड तो वैसे ही मान ले कोई क्या जरूरत आन पड़ी आपको बच्चों को किडनैप करने की ये होती क्रिएटिविटी एक बिल्कुल एक इंटेंस हमारी फिल्म हमें लगा पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे उसको पूरा घुमा के मतलब क्या एंगल दे देना दैट्स फॉर यू कपिल मुझे इसीलिए रोल दिया था जी ये जितने भी बाप हैं उनके रोक के रखूं पुलिस अच्छा हाँ, अंदर ना जाए क्योंकि इतनी खूबसूरत किडनैपर जो है तो मेरा रोल वही है रोक के रखो तो एज ए जो भी एक्टर तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि जो स्क्रिप्ट में लिखा मैं वही करूं पर एज ए मैन आपके दिमाग में क्या आया पहले बच्चे छुड़ाऊंगे पहले किडनैपर से वन ऑन वन बात करूं मतलब नेहा ने पर्सनैलिटी अपनी ऐसे बना रखी है ना इसको देख के लगता है सामने वाले का कॉलर पकड़ लेगी एकदम कड़क टाइप पर्सनैलिटी है नॉट अ बैड इमेज है ना नहीं नहीं बैड इमेज नहीं वैसे तो बड़ी स्वीट है मैं बोलता हूँ कि इनको कोई फूल भी देने आया ना तो ऐसे घूर लेना तो आदमी मुकर जाए मैं तो बेचने आया था जी लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा जी सर एंड हैट्स ऑफ टू नेहा एक्चुअली क्योंकि हमारी शूटिंग बिल्कुल साथ में थी दोनों की मेरी अच्छा जी नेहा की 8 months, 9 months प्रेग्नेंट थी प्रोबेबली इन द तो हमें ये हमेशा लगता था कि अब इस शॉट के बाद जाएंगे हॉस्पिटल या अगले शॉट के बाद हॉस्पिटल जाएंगी इतनी बट हमारा पूरा बारिश का सीक्वेंस था पूरी फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस थे जी लेकिन इस बंदी ने
एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगी या वो नहीं करूंगी या कुछ नहीं. हैट्स ऑफ टू द वे शी हैज वर्क. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. नेहा, आपको इसी खुशी में मैं आपको बादाम देना चाहता हूँ. ये आप बहुत जल्दी नहीं दे रहे बादाम. क्यों? मतलब क्या तीसरा बच्चा होने के बाद नहीं? आप क्या सोच रहे हो? या हिंट दे रहे हैं? अच्छा, अतुल सर ने 2020 में एक मूवी करी थी डर्टी हीरोज, जिसमें ये पुलिस कमिश्नर बने थे. अब थर्सडे में आप एसपी बन गए. तो आपने कमिश्नर बनने के ज्यादा पैसे लिए थे जो आपकी डिमोशन हो गई. क्या रीजन था? नहीं, बीच में एक बार चोर भी बना था. अच्छा, मैंने देखा इनको ना ऐसे लफंगों वाला काम करने में बड़ा मजा आता. कभी कभी तो ये इन्होंने नेगेटिव रोल भी बड़े किए हैं, पुलिस वाले बड़े किए. कभी कभी तो ऐसे भी किए हैं कि पुलिस वाले बने उसमें भी नेगेटिव है. जैसे दम फिल्म में पुलिस वाले बने हुए विलन से भी ज्यादा खतरनाक पुलिस वाले. चोर कौन सी फिल्म में बने थे सर? 40-84 नाम की एक फिल्म थी. उसमें चोर बना हूं, मतलब गाना गाया है, डांस किया है. तो उसके बाद कभी किसी ने फिर करने नहीं दिया. नेहा जो है ये भी इस फिल्म में एसी भी बनी है. इससे पहले सनक में भी ये एसी भी बनी थी. और मैंने देखा है ये ना टीवी में भी जो शो आया. मैंने ऐसे ही नहीं कहा आपको, कहा कि आपकी ना इमेज जो है वो लगती है थोड़ा डांट देंगी ये किसी दबंग को, है ना, दबंग वाली. तो अपने शो में भी ये डांटती रहती लोगों को. मेरे को एक बात बताइए, आप फिल्मों में एक्टिंग करने आएंगे, ठानेदारी करने आई है? देखो, मैं एक्टिंग करने आई हूँ. और क्योंकि जब मैं लोगों को डांटती हूँ वो बिल्कुल एक्टिंग है. जो मेरा दिल है ना वो बहुत नरम है. और बस बाहर से लगता है कि मैं लोगों को डांटती हूँ, बट एक्चुअली आई एम डीप डाउन आई एम अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन. ये मैं दर्शकों के लिए, ये एक्टिंग है, ये एक्टिंग है. यामी इस फिल्म में 5 करोड़ की फिरौती मांग रही है. आम आदमी ना, मेरे जैसे एक्टर हो तो मैं तो 5 करोड़ सुनकर डर जाऊं कि डायरेक्टर को खुद ही बोल दूं कि भाई साहब 5 लाख कर ले. तो 5 करोड़ फिरौती में पहले से था कि आपको देख के कि इतनी खूबसूरत 5 करोड़ तो मांगे कम से कम. ये उसके बाद 5 करोड़ आप और भी मांगती हैं शायद? नहीं नहीं, उसके बाद जो मैं मांगती हूँ वो मतलब बहुत अलग अलग डिमांड्स है सबके लिए. और इनकी बोलती बंद हो जाती है जब मैं कहता हूँ कि हाँ हो जाएगा. एक सेकंड में बोल देते हैं हाँ हो जाएगा. पुलिस डिपार्टमेंट में तो गोलियां भी गिन के देते हैं सर. आपने झट से 5 करोड़ बोल दिया, डिपार्टमेंट ने नहीं बोला आप अपनी जेब से दो ऐसे. मैं क्या है, वो कपिल शर्मा वाला शो है ना, वो बहुत देखता हूँ. बोलने में क्या जाता है? सीखा मैंने उस शो से. यामी इस मूवी में किंडरगार्टन टीचर बनी है. ये छोटे छोटे बच्चों को उसकी टीचर है. मेरे को एक बात बताओ यामी, आपके सेट पे इतने सारे बच्चे थे, बच्चे तो कभी भी चलते शॉट में बोलते बाथरूम जाना है, फिर आप उनको रोक नहीं सकते, है ना? कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम करना? ये इन्होंने ठीक कहा है, आई थिंक प्रमोशन में, कि एक बच्चा 10 बच्चों के बराबर है. तो मैं 160 बच्चों के साथ शूट कर रही थी. 160? हाँ, एक बच्चा अगर 10 के बराबर है तो 16 × 10 160 हो जाता है. ओके, तो जब तक पिक्चर खत्म हुई मुझे सब समझ गया था किसको क्या पेट की प्रॉब्लम है कहाँ. कभी कोई आता था, नैना टीचर सिरमा गैस थई गयो, नैना टीचर पेट, नैना टीचर आई सैडो, प्लस आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरी चाइल्ड एवरी किड. आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ उनके लेवल पर आना, आपको जमीन पर बैठ के उनसे बात करनी है. इट कैन नेवर बी लाइक आप यू नो, आपको उनकी तरह ही सोचना है. और बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा. कितनी बार हुआ है कि उनके सवालों ने मतलब मुझे बिल्कुल इनके से ज्यादा उन्होंने मुझे चुप करा दिया. रियल लाइफ बच्चे बड़े शाने होते हैं, मैंने देखा है. मेरी बेटी ना खुद तो 12 घंटे सो के आ जाती है, और उसको थोड़ी ना पता मैं कितने बजे सोया हूं. सुबह दे पापा वेक अप. तो अपनी नींद तो पूरी कर ली, हमें क्यों उठा रहे. और मैंने ना डिसाइड किया था कपिल कि मैंने बेजात को बोला, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि क्योंकि रोल इस तरीके का है, काफी इंटेंस है, तो मैं जो बच्चे बहुत पसंद है, बट थोड़ा एक मैं एक वॉल रखूंगी, क्योंकि अदरवाइज ज्यादा फेमिलियर या जजिंग. ये हम सवाल तो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि बच्चे पसंद भी बहुत हैं. 16 बच्चों के साथ काम किया, बच्चों की पूरी समझ भी आ चुकी है. चलो तैयारी तो हो गई, होमवर्क तो हो गया. तो मैंने सोचा कि मतलब ज्यादा फेमिलियर होंगी तो मतलब टेक में मुझे है करके वो हंस देंगे और सीरियसली नहीं लेंगे. मैंने कहा हाँ, मैं आई जस्ट
थोड़ा बहुत आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड बी नाइस एंड दैट्स इट. तो मैं अपने कोने में और वो अपने कोने में. मैं जैसे ही सेट पर आई 16 के 16 बच्चों ने ऐसे मुझे हक किया है, मैं सच में गिर गई थी जमीन पर. आई एम नॉट किडिंग. आई जस्ट फेल डाउन एंड आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ. मैंने कहा आ जाओ यार, मतलब कोई बात नहीं, बना लेंगे पिक्चर. बेजाब कोने में मतलब ऐसे बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं. अच्छा 16 के 16 कोई ना कोई तो टेक में शरारत करते होगा, गड़बड़. हाँ हाँ बिल्कुल. मतलब शॉर्ट है कि सब हम लोग खड़े हैं, सब बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और कहीं से एक आवाज आ रही है चिंग चिंग कीं करके. कोई छोटी बच्ची कुर्सी लेकर आ रही है और ऐसे बैठ रही है. हर मतलब एक टेक, दूसरा टेक, तीसरा, एवरी टाइम नन्ना टीचर मोर ब्लस मोर आई सेडो इन द टेक. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. या पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्या थोड़ा वो लिस्प करती हैं. उनमें से एक बच्ची बहुत प्यारी है पर बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. बहुत चैलेंजिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फिल्म का. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. अच्छा बच्चों की शरारतें भी ना, आपके तो दोनों बेटे हैं ना, अब देखना जब बेटा बेटी होते ना तो बेटियों के जो खिलौने हैं पता नहीं नेचुरली होता है ये उनका. जैसे अभी यामी बोली ना मेकअप कर दो तो ये लड़कियों को होता है. लड़के होते हैं वो चीजें तोड़ने में बड़ा. हाँ. जैसे मेरे वाला तो अभी चलता भी नहीं है, वॉकर में जा जाके उसने सारा घर चेक कर लिया हुआ है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है. बेटी 2 साल की होगी, उसने बेचारी ने वो अपना मेकअप जो नकली जो आता ना. अच्छा, उतना लगी रहती है. आई शैडो ब्लश, आई शैडो ब्लश. अच्छा यामी ना इस फिल्म में अपनी मेड को रस्सी से बांध रही है. मुंबई में वैसे ही मेड मिलती नहीं है जल्दी. ये फिल्म का जब ट्रेलर आया तो आपकी मेड काम पे आई फिर तो घर से बोलती हूँ मैम वर्क फ्रॉम होम करूंगी मैडम. इसने 2 बार देखा है दीदी. मतलब मैंने बहुत सोच समझ के बाद में देखा, कुछ नहीं बोला मैंने. ये भी नहीं बोला कि मेरा ट्रेलर है, ऐसी दिखा रही. अरे दीदी ये क्या कर रही हो. एंड वो ना तेल डाल रही थी मेरे सर में, रुक गई वो. मुझे फील हुआ कि कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ हरकत नहीं हो रही है. एंड फिर मैंने उसको थोड़ा सा अशोर किया. आपके पतिदेव ने जो ट्वीट किया था वो बता दीजिए. क्या ट्वीट किया था ट्रेलर के बाद? आदित्य ने ये ट्वीट किया था कि आई एम स्केर्ड ऑफ यामी बीइंग एट होम विद माय वाइफ. मेड की बात कर रहे हैं आप. अच्छा मेड की बात चली तो मैं ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि मुंबई में अगर खास तौर पे अगर आपकी मेड नहीं आ रही हो ना तो लोग मेहमानों को मना कर देते हैं. या है ना, जैसे अर्चना जी की मेड 2-3 दिन नहीं आई, इन्होंने अपने पति को मना, तुम घर में मत आना 3 दिन. बाद में इनको याद आया कि जो भाग्यश्री है इनकी मेड, उसके साथ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, काम तो सारा परमीत ही करता. फिर उन्होंने मुझे बुलाया. कपिल परमीत बोल रहा था, कहता अभी मैं आऊंगा. जब भी कपिल अगर मेरा नाम लेगा और मेरे पर ऐसे ताने या जोक्स मारेगा ना, वो आने वाला है. अभी तू फिर झेलना उसको. मैं तो बुलाना चाहता हूँ परमीत सर को. मैं चाहता हूँ कि अपने दुखड़े रोए नेशनल टीम के. अतुल सर आपके घर में तो मेड बड़ी खुश रहती होगी क्योंकि आप और मैडम दोनों एक्टिंग में बिजी रहते हैं. फिर शाम को घर आते होंगे तो बोलती होगी साहब अब मैं अकेले का क्या बनाऊं, मेरा भी शूटिंग से ले आओ. एक्चुअली चलिए हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं. ये हमने गेम बनाई है एक 5 सेकंड चैलेंज. 5 okay. वो गिनेंगी अर्चना जी. हाँ. उनको भी कुछ करना है ना. अभी मैं उधर आके मारूंगी तेरे को. ये नेहा के लिए है. हाँ. एक एक करके मैं तीनों से पूछूंगा. 3 चीजें जो छील के खाई जाती हैं. केला, प्याज और ड्रैगन फ्रूट. क्या फ्रूट? प्याज छील के खाते हैं. हाँ. और नहीं तो क्या? बिना छील. और ड्रैगन फ्रूट हमने तो कभी खाया नहीं है, तो शूटिंग के लिए रखा है. तो पता ही नहीं है. 3 चीजें जो आप सोने से पहले करती हैं. अपना फोन बंद करती हूँ. okay. अपना फोन चार्ज पे लगाती हूँ और लाइटें बंद करती हूँ कमरे. ओके हाउ स्वीट. इसमें भी तालियां. इसमें भी तालियां. वेल ट्रेन्ड ऑडियंस भी है. मतलब इस बात पे भी तालियां. इसमें अब ये ना पता तीसरा सवाल होगा जब मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी. अभी मुझे मालूम है ये कहां जा रहा है. इनको क्या है ना, इनको ना ठंड लगती रहती है ना तो अपने आप को गर्म करते रहते हैं. और इतना कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है उनको. ठीक है पता नहीं आज नहीं आज ठीक है एक्चुअली. नहीं जैसे वो 3 लोगों को बीच में ठंड लग ही नहीं रही, उन्होंने ताली नहीं बजाई. वो पत्थर के हैं. नहीं अभी भी नहीं देखो. अच्छा 3 चीजें जो आप सुबह उठने के बाद करती हैं. चाय, ब्रश एंड हग माय डॉटर इमीडिएटली. ओह वाओ. 3 चीजें जिसके बिना आप घर से बाहर ही नहीं निकलती. घर की चाबी, वॉलेट और सनग्लासेस और मास्क. 4 हो गए. ओके अब 4. ओके आप इस टेस्ट में पास हुई.
मेरे लिए आपको 5 लाख बधाइयां। ओके यामी, 3 चीजें जो एक हाथ से बचती हैं। एक है? एक हाथ से बचती हैं? हाँ। ऐसे हाँ ठीक है, आधी ताली ठीक है, ताल हाँ, तबले की ताल। मेरे बड़े क्रिएटिव आंसर्स हैं। 5 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए। अच्छा तीसरी क्या बोलो? चुटकी थप्पड़। चुटकी थप्पड़, ये देखिए, ये परफेक्ट है अपने रोल के लिए। ओके, सड़क पे घूमने वाले 4 जानवर। मतलब जब बिल्कुल डॉगी, कैट, और आज कभी कभी तो वो तेंदुआ भी आ जाते हैं। एक चीज ऐसी आप भी बताती है जो हमारी सोच से अलग होती है। तबला बता दिया, एक हाथ से अभी तेंदुआ ले आई। लिसन, आपने 3 चीजें बोली हैं, डॉग, कैट और तेंदुआ, एक अभी बाकी है। स्नेक, गाय, गाय, गाय। ये क्या बहुत आगे की सोचती है। स्नेक स्नेक जानवर थोड़ी होता है। मैं हिमाचल। स्नेक इज नॉट ए एनिमल, ऑफ कोर्स ही इज। स्नेक इज ए जीव जंतु, रेप्टाइल, पर एनिमल है तो फिर भी, मतलब रेप्टाइल जानवर तो है ना। ओके, 4 खाने की चीजें जिससे फेशियल कर सकते हैं। केला, पपाया, क्यूकम्बर, वो खीरा, ओके, आलू। अतुल सर आपके लिए है, गालों पे दी जाने वाली 3 चीजें। एक किस, दो किस, 3 किस। 3 से कम। जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं कृपया ध्यान दें, इनमें रोमांस भी काफी भरा हुआ है। हाँ जी। तो आपको अगर देखो कोई ऐसी मूवी के लिए कास्ट करना हो जिसमें रोमांस भर भर के हो, कुलकर्णी साहब बहुत कुछ कर जाएंगे। ओके, नाड़ा डाल के पहनी जाने वाली 3 चीजें। तीन लोग पहना रहे हैं मुझे पजामा, एक वो पहना रही है, एक दूसरा पहना रही है। एक पहन के आया हूँ। चलो, पजामा, कच्चा पेटीकोट। वाह, कच्चा, हाँ जिन्होंने ये सवाल लिखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े क्रिएटिव हैं आप। ओके, लास्ट, दाढ़ी बनाते वक्त दिए जाने वाले 3 एक्सप्रेशन। ओहो, 1, 2 एंड दिस एंड थर्ड वन। नहीं, कई लोग ऐसे करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, एक बार जो कट जाता है एक्सप्रेशन ये होता है। होने के बाद जो ठंडा वो लगता है। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, जो दाढ़ी बना रहा होता है ना, खुद भी वो एक्सप्रेशन देने लगते हैं। जैसे मान लो इनकी दाढ़ी बना रहा करेगा। जैसे कोई रेस्टोरेंट में खा रहा तो खुद ही स्वाद लेते रहते हैं, है ना। कई ऐसे भी होते हैं। क्या बात है। थर्सडे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अर्चना जी कैसे? ठीक हो सपना? मैंने ना इनकी पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनको क्यों बता रही है? तेरे को पता है कि नहीं? क्या, यामी जी का जो कैरेक्टर है हाँ, वो अर्चना जी से ही तो इंस्पायर्ड है। इन्होंने किसका बच्चा किडनैप किया? अपनी सास का, परमीत सेठी। ये शादी तो बस समाज के लिए टैग है बस। आप उनको पर्सनली मिलिए, ही क्राइज हिज किडनैप्ड। मैं बचाऊंगी उनको, मैं इंसाफ दिलाऊंगी, देखना। खैर, मुझे हस्बैंड से याद आया, आपके भी हस्बैंड है ना, आदित्य धर जी। वो है कि धर आए नहीं, आए नहीं, धर लिया। ये किसके हस्बैंड बैठे? ओह माय गॉड, अरे मैं पहचाना नहीं। आज तो हमारे शो पे दो दो ग्लैमर के साथ अतुल कुलकर्णी जी भी आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए बाबा। अरे सर, मी तुमची खूब मोटी फैन आए, सगड़े पिक्चर मी दे। धन्यवाद। अच्छा सर, मेरे को आपको पूछने का था, सर ये चखना में पीनट मसाला ज्यादा अच्छा होता है कि खेसा पापड़? उनसे की पूछ रही है? अरे इन्होंने चांदनी बार में काम किया है ना। नहीं सची में सर जी, इतने पहुंचे आर्टिस्ट अर्चना जी, आजकल बार के लिए लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता, इनको चांदनी बार के लिए नेशनल अवार्ड मिले ले, क्या बात है। हाय नेहा, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। मैं आपके भी सब पिक्चर विक्चर देखे ली हूँ। आपने वो पिक्चर, तू पहले कहाँ हंसता है रे? ये पहले हंस देता है। हाँ, मैंने आपकी वो पिक्चर देखी थी मैम, वो
1:40 की लास्ट लोकल, उसमें आपने एक गलती कर दी मैम। क्या? अगर आप 3 घंटा इंतजार करती ना तो सुबह 4:40 की फर्स्ट लोकल में आप आ सकती थी। मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं ना नेहा मैम आपकी तरह बहुत डेयरिंग बाजू हूँ। आपको पता मैं उस दिन जंगल गई, सामने शेर आ गया। वो तो शुक्र मनाओ मेरे साथ में वो टूरिस्ट गाइड था, उसने बचा लिया तुझे। बचा नहीं लिया, मैंने उसको शेर के आगे कर दिया। ये जानवर लोग का बहुत अच्छा है अर्चना जी। क्या मतलब? अभी हम लोग को देखो, हमारा क्या सिस्टम रहता है, मार्केट जाओ, वहां से सब्जी खरीदो, भाव तोल करो, घर पे लेकर आओ, उसको धो, फिर उसको काटो, फिर यूट्यूब पे देखो कैसे बनाना है, फिर उसको पकाओ, क्रॉकरी में डालो। शेर का ऐसा नहीं, सामने आया लंच। मैं तो सच्ची बोलती है, ये इंसान की जिंदगी बदतर है भगवान। मुझे अगले जन्म में मोहे जानवर ही कीजो। एक दिन मेकअप ना करके आ, अंदर से वही है तू। क्या बात कर रहा है? अब मुगलों का भागड़ बिल्ला लगती तू। माय गॉड, मतलब भगवान ने मेरी इस जन्म में भी सुन ली है। वाह 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 वाह। खैर मैं बहुत सर में चलती हूँ। आपके जो प्रोड्यूसर है ना, वो रोनी स्क्रू वाला ना प्रोड्यूसर आपके, हाँ वो मेरे पास मसाज कराने आए थे। क्या क्या बात है? हाँ, और जाते जाते अपना स्क्रू छोड़ गए। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो थोड़ी डिसमेंटल हो रही है, वो ऐसे से चल रही है स्क्रू के, ऐसा हो रहा है। तो मैं उनको ना स्क्रू देकर आती हूँ मेरे को टाइट करने का। ओके बाय बाय। आप सब सोशल मीडिया पे हो, यामी आप भी हो, अतुल सर भी हैं। नीचे कमेंट्स आप पढ़े, बड़े मजेदार आते हैं। हमारे हिंदुस्तान की ऑडियंस कितनी क्रिएटिव है। फनी कमेंट्स दिखाई जरा। ये नेहा ने फोटो पोस्ट किया है, स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई और एटलीस्ट ट्राई। ओके कमेंट्स पढ़ते हैं। ये एक्शन देखकर लगता है हरभजन की तरह दूसरा करेंगी। किसी ने रिप्लाई किया, भाई 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा करेंगी। लगता है ये लेडी क्रिश का ऑडिशन दे रही है। और दिखाइए कमेंट्स। बट नाइस कमेंट्स। चौथे पैक के बाद मैं भी ऐसे ही उड़ता हूँ। और भाई मेरे, ये मेरा हाल कॉफी के बाद था। एक पैक ज्यादा लगाया होता तो सीधा पानी में कूदती। कॉकरोच देखने के बाद लड़कियां ऐसे ही उड़ती हैं। और दिखाइए। नाइस। रेड ड्रेस, 0 स्ट्रेस। दिखाइए कमेंट्स। रेड ड्रेस, 0 स्ट्रेस, बट इतना सारा कपड़ा वो विल प्रेस। व्हेन काम वाली आंटी सेड, जब तक पोछा नहीं सूखता ऊपर ही रहना। टांग 1 और जूते 2, बहुत नाइंसाफी है। अच्छा पूरी डिटेलिंग में नोट करते हैं। क्या फायदा इतनी महंगी हील्स खरीदने का जब फोटो नंगे पैर ही खिंचवानी है। कुछ फैंस बहुत लॉजिकली ले लेते हैं, मतलब बहुत सीरियसली ले लेते हैं, बड़ा मजा आता है वो पढ़ के। और आगे दिखाइए। इट्स वेरी फनी जिस तरीके ये लोग कमेंट्स लिखते हैं। टिप माय हैट ऑफ टू देम, देयर पर्सपेक्टिव इज अमेजिंग, वेरी क्रिएटिव। ये आपको पता है, जब से हमने ये सेगमेंट ऐड किया है ना शो में, अब ना जान के खुद की मेरी फोटो के नीचे भी मतलब कुछ भी डाल दो आप, तो लोग ना फनी ही कुछ लिखते हैं। थोड़ी नेगेटिविटी कम हो गई वैसे। कमेंट्स दिखाइए। अतुल सर की फोटो है। सर आप बालों में कलर करते हो या चूना लगाते हो? अरे ये बड़े एक्टर हैं, चूना सिर्फ प्रोड्यूसर को लगाते हैं। अतुल जी भी लाइक, कॉफी का खर्चा भी हो गया, प्रोड्यूसर फिल्म सुनाने भी नहीं आया। और आगे दिखाइए। सर आपके माथे पे बादल आ रहे हैं। सर शैम्पू के बाद आप बाल धोना भूल गए, जाग अभी तक लगा है। दूसरे की प्लेट में मत देखो, खुद का खाना ऑर्डर कर लो, हद है। और दिखाइए। थ्रो बैक टू माई फेवरेट बैंड बाजा एंड बिर्चर म्यूसली। बर्चर क्या होता है? बर्चर म्यूसली, वो मैं ब्रेकफास्ट खा रही थी यहाँ पे, तो वो बर्चर म्यूसली खा रही थी। अच्छा म्यूसली में भी आगे चीजें हैं। हाँ, बैंड बाजा एंड बर्चर म्यूसली। हैशटैग OOTD क्या है? आउटफिट ऑफ द डे।
अपने दोस्तों की शादी पे गई थी, तो उसके बाद मैंने डाला था ये। ओ, हमें पता नहीं था। रोज नाश्ते के लिए नहीं पहनती हूँ ऐसे कपड़े। ओके। मैं मतलब उस दिन मेरे दोस्त की शादी थी। और दिखाइए जरा कमेंट्स। अब ये बोलेंगी मैं बिल नहीं दे सकती, मेरे हाथों मेहंदी लगी है। पैसे बचाने के लिए इन्होंने चूड़ियां खरीदी नहीं, सूट पे ही सिलवा ली। अरे भाई, मेरे सूट पे सिलवाने में ज्यादा खर्चा होता है। ये ऑर्डर नहीं करेंगी, देखना कॉम्प्लीमेंट्री डिश खा के निकल जाएंगी। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है, मुझे लगता है ये वाला कमेंट अंगद ने लिखा है। और दिखाइए। मैं भी ऐसे ही एक जूस लेता हूँ और 4 घंटे वाईफाई यूज करता हूँ। आपकी फोटो हो गई हो तो वेटर को फ्री कर दो, हमें भी ऑर्डर करना है। ये तो कोई पीछे ही बैठा होगा। और दिखाइए। माई मॉर्निंग्स विद फ्रेश एट्रॉक सिट्रॉन ग्राइंडेड। ये क्या है? What is this yummy? क्या होता है? नींबू होता है ना? हाँ। तो उसका समझिए आप दादाजी हैं, उसको बोलते हैं गलगल। हाँ, राइट, गलगल। ओके, वो गलगल। हिमाचल में वो उगता है। उसका अचार भी वेरी एग्जैक्टली अचार भी होता है, वेरी हाई इन विटामिन सी। होल्ड्स रियली हाई मेडिसिनल वैल्यू। आपकी फार्म में से है? अच्छा, ओके। दिखाइए कमेंट्स। इतने बड़े नींबू हो गए हैं, तोड़ लो, अब ये संतरे थोड़ी ना बन जाएंगे। ये जरूर इन्हें तोड़ के शाम को निम्बुड़ा निम्बुड़ा गाएंगी। इतने सफेद दांत है, लगता है आप रोज नींबू रगड़ती हैं। और दिखाइए। यामी बी लाइक, गर्मियां आने वाली हैं, 10 के 2 बेचूंगी, पैसा ही पैसा। बिल्कुल। और दिखाइए। देखा, फिर कोई कैप्शन नहीं अतुल सर का। यामी ने इतने से नींबू की फोटो डाली, इतना सब कुछ लिख दिया, इन्होंने इतना बड़ा हाथी डाला और कुछ नहीं लिखा। दिखाइए कमेंट। सिर्फ फोटो काफी। पूछ लीजिए, अगर कैप्शन डालनी होती तो क्या डालते? हाथी की राइड लेने से पहले अतुल जी हाथी को OTP बताते हुए। हाथी मेरे साथी। लगता है हाथी ने अपना चैनल खोल रखा है, नीचे बेल आइकॉन भी है। अतुल भी लाइक, सामने वाली हथनी तुझे देख रही है। इंसान ऐसे ही होते हैं, देखो हाथी के भी कान भर रहे हैं। और दिखाइए कमेंट। वंडरिंग व्हाट आई हैव बीन अप टू, हियर इज अ पीक इनटू माय लॉकडाउन लाइफ व्हाइल आई गियर अप फॉर नो फिल्टर नेहा सीजन 5। ओके, दिखाइए कमेंट्स। नींबू को आपने कंटिन्यूटी में रखा है। हाँ। ऐसे कपड़े पहन के बकरी के सामने मत जाना। वरना घास समझ के चर जाएगी। किसने रिप्लाई किया, तुझे इनका नहीं मालूम, ये बकरी खा जाएगी। ये कपड़े सोते वक्त ऑक्सीजन भी देते हैं क्या? अच्छा कपड़े। ये बता रही है 5 पैक के बाद नींबू की जरूरत पड़ेगी। इनके लिए पैक वाले कमेंट बहुत आते हैं। Why? सबको मेरे साथ पैक क्यों जोड़ना है? मैं सबको बताना चाहती हूँ, आई एम अ टी टोटलर, मतलब मैं इतनी सी भी शराब नहीं पीती हूँ। लगता है कि मैं पीती नहीं हूँ। और दिखाइए। मैट ब्लैक विद अ हिंट ऑफ ग्लो। दिखाइए कमेंट्स, दिखाइए। पेटी पर पेटी, पेटी पर पेटी, उस पे है हमारे गौतम जी की बेटी। जूते बदल लो, अंगूठे के साइड से फट रहे हैं यार। रात हो गई है। When producer is delaying your payment, अब शूटिंग पे कैमरे वाली पेटी तभी खुलेगी जब चेक आएगा। I like it. और दिखाइए। आप पहली बार डाला है सर ने कैप्शन भी नहीं पूरी वो बताया है रीजन। The usual 6:30 PM dinner break from the shoot on the roads of Orissa. Oriya fish curry and rice, of course. Oh, nice. दिखाइए रा। ये 6:30 पे होंगी comments. बुफे में जगह नहीं मिली तो यहाँ बैठकर खा रहे हो। किडनैपर्स ने थोड़ा ब्रेक दिया है। जिनकी कार में पीछे का कैमरा नहीं होता वो अपने दोस्तों को ऐसे ही पीछे बिठाते हैं। एक्चुअली 6:30 खाना खाता हूँ, अभी भी आपके शूट के पहले खाना खा के यहाँ पे आके डिनर कर चुके हैं आप? मैं भी कर चुकी हूँ। 6:37 नेहा, आप भी कर चुके डिनर?
मैंने किया मतलब इनके जितना किया पर वो मेरे लिए स्नैक था. दिखाइए और कमेंट्स. लगता है ये शराब के चक्कर में गाड़ी के पीछे चलते रहे, बारात निकल गई. ध्यान से अगर किसी ने गाड़ी चला ली प्लेट का पता नहीं लेकिन आपके कटोरे टूट जाएंगे. ओ, और दिखाइए कुछ. ओ तेरी, वापस आ गई मैं. इवन इन द मिडल ऑफ द ओ, ये कहाँ की शूटिंग है? ऋषिकेश के पास एक गांव है, वहां पे हम शूट कर रहे थे. दिखाइए कमेंट्स जरा. का गांव नहीं दिखता है लेकिन. मैम जरा देखकर अगर गाय ने जरा सा सर उठा दिया. तो आप रॉकेट बन जाओगे. है गांव में और कपड़े गुड़गांव वाले पहन रखे हैं. नेहा जी इंतजार में बैठी हैं कि इसका चारा खाना खत्म हो और मैं दूध निकालूं. और आगे जाइए. खत्म. नाइस. अच्छा एक ना 10 कहानियां फिल्म में ना नेहा को एक एक्टर का हाथ चूमना था. इन्होंने 5 बार हाथ धुलवाया. मतलब इतना हाइजीन का ध्यान रखती हैं. अगर आपके सामने कोई एक्टर 10 बार मुंह धो रहा हो तो आपको टेंशन नहीं हो जाती कि मुंह क्यों धो रहा है? देखो मैं शादीशुदा हूँ और मैं बिल्कुल ऐसे रोल्स अब मतलब. कभी पानी पूरी खाने का मन हो तो पानी पूरी वाले के हाथ धुलवा दे को बोलती नहा क्या. एक्चुअली मैं ना एक पंजाबी फिल्म कर रही थी एक बार, जिमी अच्छा. शेरगिल भी था फिल्म में और हमको ना एक सीन करना था जहाँ पे पानी पूरी वो रोमांस पंजाब में जो गोलगप्पों के आसपास बड़ा होता है ना, तो वो स्लो मोशन. एंड फिर हमेशा मेरा डायरेक्टर बोलता था ये स्लो मोशन में करते 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 आई थिंक आई एट अबाउट 36 पानी पूरी. आई वाज जस्ट लाइक ये कब खत्म होगा स्लो मोशन. लाइक अभी शॉर्ट, अभी इस एंगल से, अभी लो एंगल से. आई वाज जस्ट लाइक अब नहीं हो रहा है. तो होने को 5 बार 10 बार 11 बार हाथ भी धुलवाए और 36 बार मैंने पानी पूरी भी खाई है. पर नॉर्मली कितने खाती हैं आप पानी पूरी? 72 24 आजकल तो आज ही खाए उस दिन. आजकल तो बिल्कुल भी नहीं. क्यों? पर 2-4 अभी ज्यादा नहीं. अब ज्यादा नहीं होता. और मैं ना अंगद जब मेरे साथ होता है तो मैं कॉम्पिटिशन में जल्दी जल्दी खा लेती हूँ कि मतलब खत्म ना हो जाए तो मैं फटाफट खा लूँ. जल्दी खा लेती हूँ. यमी आपने एक्ट्रेस बनने के बाद कभी ऐसे ठेले पे पानी पूरी खाई है खड़े होके ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मतलब हम तो गोलगप्पे बोलते हैं, खुल के बोलते हैं गोलगप्पे. गोलगप्पे और चने वने डाल के आलू और वो सब बिल्कुल खाया है. मुझे चाट का बहुत शौक है. अच्छा पानी पूरी को हर जगह अलग अलग बोलते थे पानी पूरी. यहाँ पे मुंबई में पानी पूरी बोलते हैं, हम तो गोलगप्पा बोलते हैं. गोलगप्पे पंजाब में गोलगप्पा बोलते हैं. मैंने एक बार कोलकाता में जाके खाया, कोलकाता में पुचका. ओहो इतना बड़ा गप्पा. मैं कहा इसको लेते इतना बड़ा मुंह कहाँ से लाऊं, खोलूं कैसे? बोले तोड़ के खाते हैं. तोड़ के मजा नहीं है, जो पानी भर के जो टोकरी चार मुंह के अंदर फटना चाहिए. द ब्लास्ट शुड हैपन. खट्टा मीठा ऑल द फ्लेवर्स है ना. वाह क्या क्या चीजें बनाई भगवान ने. कुछ अफवाहें हैं सर आप सबके बारे में? ओ तेरी. कैंसिल ये सेगमेंट कैंसिल. नहीं नहीं वो मतलब मजेदार अफवाहें हैं. यामी आपके बारे में अफवाह की आपका एक जो डिंपल है वो बाय बर्थ नहीं था, आपने ऐसे ऐसे करके डाला है. तो एक्चुअली नहीं ऐसे तो करके डाला. डिम्पल है पर उसके साथ ना वो थोड़ा बड़ा हो गया. अच्छा. क्योंकि वो चोट लग गई थी मुझे. मुझे एक बार रात को वैसे ही बचपन में मेरा मन किया कि लाइट ऑफ हो गई थी, मैं जरा छलांग मार के बेड पे जाऊं. तो छलांग तो मारी, बड़ा लैंडेड वो जो बेड का कोना होता है ना यहाँ पर. पर उसने आई थिंक कुछ अलग बना दिया इस डिम्पल को. सो आई एंजॉय दैट इंजरी. हैप्पी एक्सीडेंट. दूसरी अफवाह आपके बारे में ये है कि आपकी बहन का नाम सुरीली इसलिए पड़ा क्योंकि वो गाती अच्छा है, आपका नाम यामी इसलिए पड़ा क्योंकि आप खाती बड़ा अच्छा है. हैं? देखिए अब मैं क्या बोलूँ अपने नाम के बारे में. बचपन से मुझे आदत है की ना है तो अड्डा यम्मी और यम्मी बेटा. यानी यामिन यामिनी. मतलब मैंने कभी यामी सुना ही नहीं. आज तक मेरी एक आंटी है, शी इज नोन मी फॉर 30 years. मैं उनके लिए यामिन हूँ. मैं नहीं करेक्ट करती. हाँ आंटी आई रिस्पॉन्ड टू यामिन. बट व्हाट डज इट मीन यामी? यामी यामी मेरे नाना जी ने मेरा नाम रखा था. और यामी एक तो हुआ अंतर्यामी मतलब और यमराज की बहन यम और यामी. वो यमी है. यम की बहन यमी है. वो हमने हिंदी में एक और मात्रा लगा दिया. अच्छा
नेहा आपके बारे में ये फायदा है कि एक बार आप बच्चे को घुमाने के लिए बाहर जा रही थी लेकिन गलती से बच्चे की जगह उसके बाप को लेकर चली गई थी. That is so mean. Is it true? नहीं नहीं but ऐसा नहीं हुआ था. अंगद और मैं ना जैसे होते हैं वो बोलते हैं कि 40 दिन घर पे रहना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रहना है, सॉक्स कान कवर करके. तो जब मेहर हुई थी ना तो मैं बहुत बोर हो गई थी घर में बैठ कर, कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि इतना देर घर में बैठना पड़ेगा. सो आई जस्ट टोल्ड अंगद एक दिन ऐसे चलो ड्राइव पे चलते हैं. तो ऑब्वियसली हमारी नर्स थी जो मेरे साथ और मेहर के साथ हमेशा रहती हैं. तो उसके बाद हम दोनों गए गाड़ी में, चले गए बैठ गए. फिर हम सीलिंग के पास पहुंचे एंड वी वर लाइक ओ मेहर को तुम लेके ही नहीं आए तो उसको हम घर पे ही छोड़ आए थे. पर अकेले नहीं थी वो, वो मतलब हमारी नर्स के साथ थी, हमारे साथ थी. अतुल सर आपके बारे में अफवाह है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर आपका पैसा रोकने की कोशिश करता है तो आप उसे बोलते हैं सोलापुर में बंदूक की दुकान है मेरी और वो अगले दिन इंटरेस्ट के साथ चेक भिजवा देता है. ये क्या अफवाह है सर? ये खबर जिसने भी निकाली होगी मुझे बात करनी है उनसे, क्योंकि एक्चुअली ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी सिगरेट्स की. अच्छा जी. मेरे पिताजी और उनके पार्टनर थे. अच्छा जी. जिनका नाम था बंदूक वाला. अच्छा. बेलगाम से हैं हम सब लोग. तो दुकान का नाम ये था कंपनी का, बंदूक वाला ट्रेडिंग कंपनी. अच्छा जी. तो मेरे पिताजी को सब लोग बंदूक वाला करके पुकारते थे, मतलब ये बंदूक वाला है, बंदूक वाला है. दुकान थी सिगरेट्स की लेकिन नाम था बंदूक वाला. ओके. तो भैया ये अफवाहें थी, हमारी समाप्त होती है. धन्यवाद. बैठिए, ये भी इंसान है, बैठिए. यामिनी हमारी मुलाकात हुई हुई है आपसे, हमारा अभी तक मुलाकात पहली बार है. तारुफ करा दो दोस्त. ये बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं. ये जब पैदा हुए ना तो वन विभाग वालों ने नोटिस भेजा कि हमारा एक जानवर आपके घर में पैदा हो गया है. ध्यान से देखो, लगता नहीं है रिटायर्ड भेड़िया नहीं लगते आपको? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा है. अब वो अलग बात है कि मेरा ज्यादा देर छिप नहीं पाया, वो दिख गया. इट्स ओके. मैं आपको बता रहा हूँ यामी जी, आपको जीवन में कभी भी किसी केस वेस में फंसे ना बाय चांस, ये माय गॉड आप मुझे कॉल कीजिए. आप उनका केस लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा. आई मीन बेहतरीन लॉयर बताऊंगा आपको, वो आपका केस लड़ेगा. क्योंकि क्या है, लड़ने को मैं भी आपका केस लड़ लूं, लेकिन क्या है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं नहीं चाहता कि आप केस हार जाएं. आई नो माई कैपेबिलिटी, आई नो इट. ये मुंह गिर जाएगा आपका किसी के नीचे. लेकिन अबुल जी, आप भी कभी किसी केस में फंसे ना, ये मेरा कार्ड है जी. आप मुझे कॉल कीजिए, आपका केस मैं लड़ूंगा. अच्छा, तो उनके फैन नहीं आप जो उनका? मैं सबका फैन ही बना रहूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? I get it. नहीं, लेकिन आपका वो वाला केस तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा. कौन सा केस यार? वो है ना जिसकी वजह से आप जेल में थे. आपने मुझे बताया नहीं यार, मैं आपको जेल से निकलवा देता. अरे जेल उनकी फिल्म है. नहीं ठीक है, मैं आपको फिल्म से निकलवा देता. नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं. फिल्म से निकलवा देता तो मैं आपको फिल्म दिलवाता भी. आई एम अ कैपेबल मैन. ये मैं आपके लिए, ये लीजिए, मैं आपके लिए पूरी ये स्क्रिप्ट लेके आया हूँ. मैं चाहूंगा कि ये फिल्म आप करें. सिर्फ 4 पेज की स्क्रिप्ट? हाँ, तो ये पेज 3 कर सकते हैं तो पेज 4 नहीं कर सकते क्या? ओहो ओहो, क्या हुआ? मुझे एक शेर आया है जहन में आपके लिए नेहा जी. मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो. बिल्कुल नहीं. तो अर्ज किया है. कुछ मैं अपने कहूँ, कुछ आप अपनी भी सुनाइए. इतने दिनों बाद मिली है नेहा जी, एक कप कॉफी तो पिलाइए. वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, गुलजार साहब के पाले हुए भालू, क्या बात है.
बहुत बढ़िया। ये फिर से आपने गलत बात की है। उन्होंने मुझे पाला नहीं था। अच्छा। मैं 2-3 दिन के लिए रहा था उनके पास। चलिए नेहा जी बताइए, फिर कॉफी पे चलें। शादीशुदा है वो नेहा जी। ये तो और अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, हम अंगद जी से कह देंगे हमारे कॉफी का बिल वो भर देंगे। नहीं क्या है कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता यार कोई मेरे साथ चले और पैसे लड़की दे। नो 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 नो, आई विल नॉट बी, नहीं ही विल पे। उससे क्या होगा कि हमारी डेट पे वो भी जरा इन्वॉल्व सा महसूस करेंगे। वकील साहब क्या उनको नहीं जाना आपके साथ कॉफी पे? सेम ऑफर यामी जी के लिए, वो भी शादीशुदा है। चलनी आती आपको? शादी तो मेरी भी हो गई। ठीक है, आप भी नहीं आ रही, आप भी नहीं आ रही। सेम ऑफर अतुल जी के लिए है? मेरी तरफ से नहीं, अर्चना जी की तरफ से। और इसमें पैसे भी, पैसे इधर अतुल जी आपको देने पड़ेंगे, उनके पति नहीं देते पैसे। मुझे इन्वॉल्व भी नहीं करना पति को। ये भी ठीक है, क्लैरिटी क्लैरिटी है, ये अच्छी बात है भाई। लेकिन आप ना कमाल के फिट हैं यार, क्या फिटनेस फ्रीक है। एक्चुअली आपको बताऊं, आपको ऐसे फिट देख के ना मैं भी काफी फिटनेस फ्रीक हो गया हूँ। ओह माय गॉड। या यार रियली, कुछ दिनों पहले मैंने जिम ज्वाइन किया और मेरा जिम का जो ट्रेनर है उसने मुझसे कहा कि स्किपिंग कीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन यही आदमी मुझे फोन करके कहता है कि आप जिम क्यों नहीं आए। मैंने कहा तुमने ही कहा स्किपिंग करो, आई एम स्किपिंग द जिम टुडे। वकील साहब उसने ऐसे रोप स्किपिंग बोला होगा आपको? मुंह से बोलना चाहिए ना यार, या कम से कम ये वाला इशारा करता भी चलता ना। हो गया। खैर मैं आपको बताऊं, ये जिम विम ना खाली ये सब कहने की बात है। वेरी फ्रेंकली अगर इंसान रोज कुछ खेले ना तो कोई जरूरत नहीं है जिम विम जाने की। ये तो है, सही बात है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। एक मसलन सही बात है, तो आइए फिर हो जाए। ठीक है, तीन वक्त आइए। वकील साहब ये जुआ खेलने से थोड़ी फिट रहता है, खेलने कूदने मतलब भाग दौड़ वाला कुछ खेलना। नहीं, इसमें भी इन्वॉल्व है भागना। सोचिए अभी हम खेलना शुरू करें और पुलिस आ जाए, हम सब भागेंगे। एक बार मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बार भागा था, पुलिस ने किसी तरह मुझे पकड़ लिया। दे कॉट मी। अब मेरे सामने वो डंडे के ऊपर तेल लगाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं एक महीने से ऑयली अवॉइड कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। फिर मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए उन्होंने डंडे के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाया और उससे मारा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं अतुल जी, एक और चीज को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा खफा हूं। अच्छा क्या? कौन सी वाली? रंग से बसंती में आपने आमिर खान जी से कह दिया बंद करो ये ढिकचिक ढिकचिक। नहीं अच्छी बात यह कि उन्होंने सुना नहीं, ढिकचिक ढिकचिक किया, कंटिन्यू किया पूरी ये बात तो है। तो यहाँ पे यामी जी के साथ, नेहा जी के साथ हम थोड़ा सा ऐसा एक डांस करेंगे और आप ये नहीं कहेंगे बंद करो, आप कहेंगे शुरू करो ये ढिकचिक ढिकचिक, शुरू करो ये ढिकचिक ढिकचिक। आइए भाई अब करना पड़ेगा, इन्होंने बोला है, मैं वो क्या बोला, ये बोल रहा हूं। आइए 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 प्लीज। अरे यार चलिए मैं चलता हूँ, चलिए चलो मैं। आइए नेहा, आइए एक बार जोरदार तालियां नेहा यामी और अतुल सर के लिए। थैंक यू अतुल सर, यामी, नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया हमेशा की तरह आपके साथ बातें करके, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस मूवी के लिए भी और आने वाली तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप मुझे देखकर पहचान ही गई होंगी कि मैं हूँ 70s की सिनेमा। ये वो दौर है जब हीरो की ना मूछ होती थी ना दाढ़ी, और विलन का अड्डा हमेशा होता था काली पहाड़ी। वाह, माँ हमेशा सीती रहती थी लोगों के कच्चे, और मेले में खो जाते थे उसके अपने बच्चे। तो चलिए दिखाती हूँ डिटेल में अपनी पूरी की पूरी कहानी। हाँ। माँ की दिहाड़ी। अच्छा। और काली पहाड़ी। लोगों के कपड़े सी सी के थक गई हूँ मैं। अपने बच्चों को मैंने पाल पोस के बड़ा तो कर दिया। हाँ। बस अब मेरे बच्चों की एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। अच्छा। भा, भा, भा। तेरे
तेरे लिए खुशखबरी है माँ, नौकरी लग गई माँ। मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। तुझे क्या काम मिला है बेटे? काम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है माँ, गांव के प्रधान की भैंस को नहलाना है। नहीं 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 बेटे, कोई काम छोटा नहीं होता। इसीलिए मैंने सोचा ये काम तू करेगी माँ। यही दिन देखना बाकी रह गया था। रात में तुझे दिखता नहीं, दिन में तू देखना नहीं चाहती, तेरे नखरे बहुत है माँ। जल्दी से नौकरी के लिए हाँ कर दे, कहीं ये नौकरी भी तेरे हाथ से निकल जाए। हाथ से तो तू निकला जा रहा है, तू इस घर का बड़ा बेटा है, सारी जिम्मेदारियां तुझ पर है। तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाली क्यों? हमारे घर में एक वॉशरूम है। अच्छा। हम दोनों भाइयों को आता कहती पहले छोटे को जाने दे। अच्छा। लेकिन जब पैदा होने की बारी आई कहती बेटे तू आ, हट। पहले मुझे पैदा क्यों किया, क्यों, व्हाई, काहे? पाई लागू माँ, माँ तेरा छोटा बेटा आ गया। माँ आ गया मेरा बेटा, आ गया माँ। माँ नौकरी मिल गई है माँ, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। ये देख माँ मैं क्या लेकर आया हूँ। ओह नौकरी मिल गई, मेरे लिए गिफ्ट मिला है। कितना प्यारा है मेरा बेटा। बेटे ये तो जेंट्स जूता है। ये मैं अपने लिए लाया हूँ माँ। तू जब फैक्ट्री जाएगी तुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि नौकरी जो है वो तेरी लगी है माँ। ये मेरे लिए नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? मैं दो दो नौकरी कैसे करूंगी? वाह वाह वाह, एक कैंडिडेट की दो दो नौकरियां लग रही हैं और लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है। वाह। मेरे पास माँ एक बहुत अच्छा आइडिया है। तू दिन में मेरा वाला काम कर लेना और रात को भैया वाला काम कर लेना। अरे पर मैं दो दो नौकरी करूंगी, मैं सोऊंगी कब? दोनों नौकरियों में से जब जब लंच टाइम आएगा तुम सो जाना माँ। यस। अरे पर मैं लंच टाइम पे सोऊंगी तो मैं खाऊंगी कब? यहाँ बच्चे भूखे मर रहे, उसको खाने और सोने की पड़ी है। काम पे ध्यान दे बुढ़िया। भैया 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 मैं आ गई। कितनी बार कहा है हमें भैया मत बुलाकर, हमसे ज्यादा भैया तू लगती है। कहाँ गई थी? मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। अरे तू तो अनपढ़ है, तो फिर कैसा इंटरव्यू? मैं माँ के लिए इंटरव्यू देने गई थी, मेरी माँ नौकरी करेगी। सब मिलके मेरे लिए नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो, खुद कुछ क्यों नहीं करते? माँ हमें ये लगता है कि अगर हम लोग नौकरी करने गए तो तुम घर में अकेली रह जाओ। लेकिन अगर तुम नौकरी करने जाओगी वहाँ पे 20,000 मजदूर और है, वो तेरा ख्याल भी रख लेंगे। सही है। तुम सब मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं नहीं कर रही कोई नौकरी, मैं नहीं जा रही। एक काम करते हैं, हम लोग पट्टा पुगाई करते हैं। अगर तुम लोग हारे तो काम पे तुम जाओगे, और अगर मैं हारा तो एक बार और करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये भैया बहुत अच्छा आइडिया, जो पहले बाहर होगा वो नौकरी पे जाएगा। बिल्कुल। ओके 1 2 3। तू जीत गई। मेरी माँ नौकरी करेगी। माँ सबसे पहले बाहर हुई है, माँ तू ही नौकरी पे जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, घर पे बैठे रहते हो दोनों के दोनों। वो इसीलिए, क्योंकि जब मैं बाहर बैठता हूँ तो मैं टैन हो जाता हूँ। और सोचो जब छोटा वाला टैन हो जाता है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो 11 हो जाता हूँ, 12 हो जाता हूँ। इसीलिए हम अंदर बैठे रहते हैं माँ। पर एक बात की समझ नहीं आती, घर पे बैठे रहते हो, घर पे जवान बहन बैठी है, आपको शर्म नहीं आती रोटियां टूसते रहते हो? ये बिल्कुल सही बोल रही है भैया। एक काम करते माँ, बहन को ही घर से बाहर निकाल देते, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल क्या बोलते? मैंने देखा है लोग सही कहते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, क्योंकि तीसरा फिर ऐसा हो जाता है। सही बोल रहे हो। तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती, पहले तो बूढ़ी माँ का मजाक उड़ाते हो, अब चौड़ी बहन का भी मजाक उड़ा रहे हो। मुझे अपनी औलादे कहते हुए शर्म आती है तुम दोनों को। सेम टू यू माँ, सेम टू यू, हमें बहुत शर्म आती है। लेकिन अब इस घर में मैं तभी कदम रखूंगा जब इसके लिए कोई बड़े मुंह वाला लड़का ढूंढ के लाऊंगा। इसका मतलब भैया इस घर में हम कभी भी नहीं आएंगे? ऐसी बात नहीं है, हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा किस्मत खराब हो तो उसको पसंद आ जाए।
लेकिन जब तक इसके लिए लड़का नहीं ढूंढ लाते मैं तब तक इस लकीर के आगे अपना कदम नहीं रखूंगा। लेकिन एक मिनट भाई, मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा। क्यों भाई? क्योंकि मुझे भूख लगी है। माँ ये बता घर में खाने के लिए क्या क्या है? राजमा चावल है, खीर है, जलेबी है। एक प्लेट मेरी भी लगा दो। ये क्या बात हुई? अरे कैसा इंसान, अभी इसने बोला कि जब तक मैं लड़का नहीं ढूंढूंगा अपनी बहन के लिए मैं कदम नहीं रखूंगा, अब मुकर गया तू? मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, कदम नहीं रखूंगा। तू खाना लगा माँ। बिल्कुल सही माँ, बहुत ड्रामा हो गया माँ। अरे मेरे भी कुछ सपने थे कि मेरी भी शादी होगी, मेरे पाँव में भी मेहंदी रचेगी, मेरा चाहे एक ही पति हो। इतना ड्रामा क्यों कर रही है तू? ढूंढ देते तेरे लिए भी कोई लड़का। चल भाई, चलो चलो चलते। अब मेरी शादी होगी माँ, मेरी शादी होगी। हाँ तू खड़ी खड़ी क्या इतना खुश हो रही है? चल पूरे घर का पोछा लगा, मैं एक जरूरी काम से थोड़ा सा टीवी देख के आती हूँ। मेरी शादी होगी, मैं सफाई करूंगी। वेलकम माय फ्रेंड, मेरे घर पे आके मुझे कह रहे वेलकम वेलकम। चल पढ़ा से ये पोछा लगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, मैं शाकाल हूँ। तू शकाल हो चाहे रामलाल हो, पोछा लगा, इधर सारा फर्श गंदा कर दिया, पकड़ा इसको। ये ले, ये गंदा कर दिया। अरे बेटी मेरी पास में। अरे अरे शाकाल जी, ये अरे शाकाल जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े विलेन हैं, आप कहीं जाके बहू बेटी को किडनैप कीजिए, उन्हें काली पहाड़ी पर ले जाइए, उनसे डांस वांस करवाइए, ये आपका काम नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तो ये अपनी बेटी को समझाओ। देखो बार बार मेरा ये जानवर भी पकड़ लेती है। इधर तो वापस दे उनको जानवर। दे दिया। अरे तुझे शायद पता नहीं है ये शाकाल है, ये बहुत बड़े गंजे आदमी। माँ ये कुछ ज्यादा ही गंजे नहीं, अंदर से सारे थॉट भी नजर आ रहे हैं, ये क्या सोचता है? खबरदार अगर मेरी बेइज्जती की तो इस मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। जानती हूँ इसे, अजीब जानवर है ये। दिखा जरा कितना जानवर है। अरे तुम क्या है, क्या है? बार बार मेरा ये, तुम बार बार मेरा जानवर पकड़ लेती हो, बहुत पसंद है क्या? एक मिनट मेरी बेटी पे गोली मत चलाना। मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर लेकर जा रहा हूँ, जल्दी से बताओ तुम दोनों में से बेटी कौन है? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी। अरे मेरी माँ से बेटी होगी, ये बेटी है, मैं माँ हूँ। ना ना ये मेरी बेटी है, मेरे बाल सफेद है, ये बेटी है। बेटी डाई करवाए? नहीं नहीं ये बेटी है। चलो ठीक है, चलो मान लिया मैं ही बेटी हूँ। अच्छा ऑफर क्या पाजी? मैं तुम्हें डेट पे नहीं लेकर जा रहा हूँ, काली पहाड़ी पे तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहा हूँ। किडनैप? हाँ खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। अरे माँ क्या करती हो? अरे किसी मर्द के साथ तू जाने नहीं देती, फिर कहती है बेटी कुंवारी बैठी है। अरे शादी करके नहीं लेके जा रहा, किडनैप करके लेके जा रहा है। तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा क्या? नहीं माँ, जब तक तुम लोग 50 लाख नहीं दोगे तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। चलो 50 लाख, चलो चलो 50 लाख, चलो। माँ देखा मेरी कितनी वैल्यू। चलो भाई, चलो 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 चलो, पहाड़ी बन रही है। हमारी माँ कहाँ चली गई है? माँ मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी बहन को आज भी किसी ने पसंद नहीं किया। लेकिन हमारी माँ है कहाँ?
अरे भाई आप माँ के ऊपर से लांग के चले गए, ये देखो माँ को चोट लगी है। मत उठा नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। एक काम कर, हम चुपचाप निकलते हैं, कोई ना कोई इसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, फिर हम चीकू लेके इसका हालचाल पूछने जाएंगे। ठीक है भैया। रुक जाओ बच्चो, मुझे हाथ दो। आ जा माँ, क्या कर रही है? शायद तुम लोगों को पता नहीं है, वो शाकाल तुम्हारी बहन को उठा ले गया है। वाह, गुड जॉब शाकाल। किसकी बज रही है? वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं तुम्हारी बहन को किडनैप करके लेकर आ गया हूँ। तो फोन पे बात क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। मैं तुम्हारे सामने हूँ। ओ, तो तुम हो शकाल? अरे इधर चिकू, इधर। अच्छा इधर, इधर बोलना। तेरी इतनी हिम्मत, अगर हिम्मत है तो चिट्ठी भेज के दिखा, फोन पे क्या डरा था? फालतू की बातें करना बंद करो, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। तो अगर जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपया मेरे हवाले कर दो। अगर बहन जिंदा चाहिए तो 50 लाख जी, अगर हम बेहोश करके लाए तो डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ मजाक नहीं चल रहा, हमारा तो 15 साल से चल रहा है, तू अपना देख। हमारा फिक्स रेट है, जितना बोल दिया उतना ही लेंगे हम। पैसे लेकर आओ और अपनी बेटी को ले जाओ काली पहाड़ी के पीछे। सी यू, वहीं पर मिलते हैं। काली पहाड़ी पर जाना पड़ेगा माँ। वेलकम माई फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम। शाकाल के अड्डे पे तुम्हारा स्वागत है। ये कैसी काली पहाड़ी है, ना कोई लिफ्ट ना कोई घोड़ा। एक बात बताओ, ये क्या भाव में लिया था शाकाल भैया? जब मैंने ली थी तब 2100 चल रहा था। और यहाँ पर मतलब अमेनिटीज क्या रहेंगी? स्विमिंग पूल, जिम वगैरह है? सॉरी जिंदगी, तुम जिम नहीं की, आज तुम्हें जिम चाहिए। काली पहाड़ी है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं। वेल, मैं इधर काली पहाड़ी बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। हमारी बहन तेरे कब्जे में, ये तो हमें मालूम है, लेकिन तू कब्ज में है, तुझे मालूम है कि नहीं? पहले ये बताओ तुम 50 लाख लेकर आए हो? भैया, बहन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करो। ज्यादा चलाकी करने की कोशिश मत करना, चारों तरफ मैंने अपनी आदमी छोड़ रखे हैं। आदमी आदमी छोड़े, औरत क्यों नहीं छोड़ी बटक ले? रेसिस्ट आदमी, सिर्फ आदमियों को काम देता, औरतों को कभी काम दे। और पहली बार तेरे अड्डे पे है, कोई डांस वांस कोई नाच गाना हो जाए। और याद रखना, जब तक तेरा डांस चलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। अरे ये डायलॉग मेरा है। तो कब बोलेगा? जब हम लोग निकल जाएंगे तब बोलेगा। ठीक है फिर, मैं नाचता। नहीं, एक मिनट, यहाँ पर माँ आई हुई है तो तुम क्यों नाचोगे? माँ नाचेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। कट। क्या वाह यार, डांस किया माँ। तुम कभी मुंबई नहीं आ सकते। अरे मुंबई क्या, मैं तो कहता हूँ माँ तू घर भी नहीं आ सकती। टकले अंकल, इसको भी रख लो। चुप रहो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे तुम। यार नहीं, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए, गवर्नमेंट भी यही कह रही है। पर मेरी बेटी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं तूने मेरी बेटी को मार तो नहीं दिया? माँ, माँ, मैं जिंदा हूँ माँ, मैं जिंदा हूँ। ये क्या, तुमने अभी तक इसको मारा क्यों नहीं? बेटी, इससे तुझे परेशान तो नहीं किया? ना, मैं बस ये 2-3 बार ये मगरमच्छ धोना पड़ता है मुझे, मैं धो के रख देती हूँ। तू जब इतनी परेशान थी तो इसके मगरमच्छ धोती क्यों थी? अरे
मैं यहाँ जॉब करती हूँ ना, सुबह इनके बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, और एक दो बार इसको धोना होता है, मैं धो देती मगरमच्छ को। वाह बेटी वाह, तूने जॉब कर ली। सीखो सीखो, अपनी बहन से कुछ सीखो। क्या सीखे, उसकी तरह हम भी मुफ्त में मगरमच्छ धोना शुरू कर दे। भैया मुफ्त में नहीं, 30,000 रुपया देते शकाल भैया मुझे। क्या 30,000? देखिए शकाल भैया, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, खुल के अपने बारे में बता नहीं पाता, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन कटका मैं भी बहुत अच्छा कर लेता। और भैया तो सिर्फ इंट्रोवर्ट है, मैं तो एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, बाहर के भी काम कर ले तो मुझे रख लो 30,000 में फिर। तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ, सबसे पहले इंट्रोवर्ट की स्पेलिंग हो जाए। ये शकाल काटा है, यहाँ पर बिना स्पेलिंग सुनाए तुम नहीं जा सकते। तो सुनो फिर। यस। ई। ओके। इंट्रो। वेल डन। ओ व्हाट? लगता है तैयारी के साथ आए हो। चुपचाप से पैसे निकालो। भैया ये आपस में आप बिजनेस की बात करो, मैं तब तक वो ना मगरमच्छ वॉशिंग मशीन में रख के आई हूँ, सुखा के आती हूँ। वॉशिंग मशीन में? हाँ हाँ। अरे ठीक है, आप करो। बंद नहीं करो, बहुत हो गया ये फैमिली ड्रामा। चुपचाप से पैसे निकालो, वरना इसे जानते हो अजीब जानवर है ये, जितना भी खाए भूखा ही रहता ही। इसको डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता है इसके पेट में कीड़े हों। ले 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 ले। ले। I had one small question. ये जानवर आपको मिला कहाँ से? बचपन में हमारे गांव नदी किनारे मेला लगा था। मैं और मेरी माँ मेला देखने गए, वहां मगरमच्छ हमें देख रहा था। मेरी माँ डर के भाग गई, तब से इस मगरमच्छ ने मुझे पाला है। एक मिनट, ये जो मेला था ये सरयू नदी के पास लगा था, और उस दिन तुमने तोतिया रंग के कपड़े पहने हुए थे और चीव 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 करने वाले जूते पहने हुए थे। अरे हाँ भाई हाँ। बेटा बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ बेटा। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है सोनू। लेकिन मैं कैसे मान लूं? बेटा कैसे मान लूं, मतलब उस दिन मेले पे तूने मेरे हाथों पे टैटू भी बनवाया था, ये देख। अरे टैटू तो कोई भी टटपूंजिया बनवा लेता, कोई और निशानी तो बताओ। हाँ मेरे पास एक और निशानी है, उस दिन मैंने अपने बेटे के हाथों में एक चाबी दी थी। बेटे अपने हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये रही चाबी, तू ही मेरा बेटा, मेरा टकला बेटा मुझे मिल गया, मेरा टकला बेटा, मेरा टकला बेटा मुझे मिल गया। मुझे पक्का पता था एक दिन ये चाबी मुझे मेरी माँ से मिलाएगी। एक मिनट, चाबी तेरे पास और उधर हमारा बाप 35 साल से संदूक में बंद पड़ा है, उसका क्या? तुम्हारा बाप नहीं है, वो सोनू का बाप है। तो फिर हमारा बाप कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो तुम दोनों को मेले से उठा के लाई थी। वाह वाह वाह, अपना खोया एक और दूसरे के उठाए दो, मक्कार धोखेबाज। ए चल निकल अब, मैं अब विलन की माँ हूँ, 50 लाख रुपए निकाल, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे तुम दोनों। एक मिनट माँ, तुम्हारी गर्दन पे कुछ लगा है। क्या लगा है? चाकू लगा है। देखो अब तेरी माँ हमारे कब्जे में। छोड़ो छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो मेरी माँ को, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट, ये हमारी माँ नहीं है, ये टकले की माँ है, अभी अभी पता चला है। मैंने सारा कुछ सुन लिया। लेकिन ये तुम्हारी नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी बहन भी नहीं है, इसे मैं मेले से उठा के लाई थी। सबको इधर उधर से उठाया, खुद तुमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। अरे अरे ये क्या है, जिनको मैं अपना भाई समझ रही वो मेरे भाई नहीं है, जिनको अपनी माँ समझ रही मेरी माँ नहीं, और जिसको ये डाकू समझ रही टकला ये भी डाकू नहीं है। ये रखो अपना पाइनएप्पल, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये पाइनएप्पल नहीं है, ये बॉम्ब है। बॉम्ब बॉम्ब है तो ये पेन क्यों है फिर? अरे
अरे पागल की बच्ची फट जाएगा। अरे मेरी तरफ नहीं, उसकी तरफ है।